Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Clam Secrets और मैं हूँ आरती शर्मा. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सैटन की साड़ी से सिंपल टाइट फिटिंग साड़ी पहन के दिखाने वाली हूँ. साथ में इस सिंपल सी साड़ी को मैं एज अ गाउन की तरह भी पहन के दिखाने वाली हूँ. प्लस मैं दुपट्टे को कैसे कैरी करना है ये भी बताने वाली हूँ स्टाइलिश तरीके से. तो वीडियो को एंड तक देखना. सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा दूँ. ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है RPD फैशन से और इस साड़ी का फैब्रिक सैटिन है. फ्रेंड्स, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पर ये लेटेस्ट स्टाइल की साड़ी, लहंगा ये सब अपलोड करते हैं. तो आप चाहें तो इनके चैनल को और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ये स्टार्ट करते हैं. सिंपली जैसे साड़ी ड्रेप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से राइट हैंड साइड से टक करके साड़ी का फर्स्ट पार्ट और एक सर्कल लेने के बाद चारों तरफ से साड़ी को पेटीकोट में टक कर देंगे प्रॉपर तरीके से. अब आते हैं पल्ले पर. पल्ले के लिए पहले हम कैजुअली प्लीट्स बना लेंगे. ठीक है, कैजुअली प्लीट्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी जब भी साड़ी पहनती हूँ तो उसमें सबसे पहले प्लीट्स नहीं बनाती हूँ. लेकिन साड़ी के पल्ले का लेंथ हमेशा नीज से थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, इसे ग्रेसफुल लुक आता है. अब इसके बाद कमर के पास हल्का सा साड़ी का फैब्रिक टक करेंगे और फिर प्लीट्स बनाना शुरू कर देंगे. प्लीट्स बनाना बहुत इजी होता है. आपके लिए इजी तब होगा अगर आपको प्लीट्स बनानी नहीं आती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्लीट्स भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगी. और कईयों का कहना है कि दी मैं लेफ्टी हूँ, मेरे से प्लीट्स नहीं बन पाती. तो डियर, मैं आई एम ऑल्सो लेफ्टी और मैं जो प्लीट्स हैं वो लेफ्ट हैंड की हेल्प से ही बनाती हूँ. सो यस, मेरी प्लीट्स बन चुकी हैं कमर की. अब मैं इन्हें वन बाय वन सभी प्लीट्स को अरेंज करूँगी एंड देन पेटीकोट में टक कर दूँगी. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्लीट होती है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, बाकी के प्लीट्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए पीछे से. ठीक है, अब कई बार कमेंट आता है कि दी ये कैसे करें. तो देखिए, आपको एक तरफ से हाथ इस तरीके से इंसर्ट करना है, दूसरे तरीके से हाथ इस तरीके से इंसर्ट करके और फिर साड़ी के फैब्रिक को पकड़वाना है दूसरे हाथ को और टाइट हाथों से स्ट्रेच करें. एंड जब आपकी कमर के पास फिटिंग आ जाए तो उसे ट्विस्ट करके, और अगर बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो आप वहीं पर पिन से सिक्योर कर सकते हैं, छोटी पिन का यूज़ करें. एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में बच जाता है तो पहले आपको ऐसे ट्विस्ट करना है और फिर दूसरी साइड से ट्विस्ट करके टक कर देना है. तो इससे आपका जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है कमर के साइड में जो होता है वो सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी. ओके, अब हम कमर की प्लीट्स को वन बाय वन अरेंज करेंगे एंड फिर सांस अंदर की तरफ लेकर और फिर पिन से सिक्योर कर देंगे अंदर की तरफ से. डरिए मत, पिन अंदर की तरफ से खुलेगी नहीं और ये बिल्कुल सेफ रहती है. अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट्स पे. तो प्लीट्स के लिए हम पल्ले को इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे. ठीक है, प्लीट्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं. अब मैंने प्लीट्स बना ली हैं एंड अब मैं इन्हें शेक करूँगी. हमेशा मैंने बताया है आप लोगों को, शेक करने से क्या होता है, जो प्लीट्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं और जो भी अनइवन हो रखी होती है प्लीट्स वो इवन हो जाती हैं और प्लीट्स को अरेंज करना बहुत इजी हो जाता है. कमर के पास से स्ट्रेच करेंगे साड़ी के फैब्रिक को और फैब्रिक को स्ट्रेच करने से आप देख सकते हैं कमर के पास टाइट फिटिंग आ रही है. तो अगर आप ये वाली टिप का हमेशा यूज़ करते हैं तो आपके पास कमर की फिटिंग भी आएगी. और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि दी जैसे आप साड़ी ड्रेप करते हो टाइट फिटिंग, वैसे हमारी नहीं हो पाती. डियर, अगर आप ये वाली टिप का यूज़ करते हो ना तो आप कन्फर्म हैं आप कमर के पास टाइट फिटिंग वाली साड़ी ज़रूर पहन पाएंगे. शोल्डर प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे एंड फिर उसके बाद इन्हें पिन से सिक्योर कर देंगे. ठीक है, पिन से सिक्योर कर लिया है और कमर की जो प्लीट्स हैं हमेशा ध्यान रखें नेवल के सामने ही होना चाहिए. तो देखिए मेरी टाइट फिटिंग साड़ी कैसी लगी. सैटिन का कपड़ा है, साड़ी का लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है. अब मैं आपको दूसरा स्टाइल बताने वाली हूँ जिसमें मैं साड़ी को एज अ गाउन पहन के दिखाऊँगी. साड़ी को नॉर्मली जैसे
पेटीकोट में टक करते हैं, बिल्कुल वैसे टक करेंगे। एक सर्कल लेने के बाद चारों तरफ से सेट कर दिया। एंड अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साड़ी के फैब्रिक को यानी पल्ले वाले पार्ट को बैक साइड से इस तरीके से लेके आएं और आपको एक बार मेजरमेंट कर लेना है कि यस मुझे इतने पर जो सेफ्टी पिन है वो लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने एक बार मेजरमेंट कर लिया। अब आपको अंदर की तरफ से आपको ये ध्यान रखना है कि साड़ी के फैब्रिक को एक टक कर लें। आपको जब एक बार अंदाज़ा लग जाए तो उतना फैब्रिक को पकड़ के और फिर टक कर लें। देखिए साइड से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बच रहा है। मैंने ये जो टक किया हुआ है ना, ये साड़ी का जो मेरे को लगा कि हाँ इतने पर मुझे रखना है, उतने पार्ट को मैंने टक कर लिया। अब इसके बाद हम प्लीट्स बनाना शुरू कर देंगे। नॉर्मल प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम, जैसे लहंगे के लिए प्लीट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। बट आपको ध्यान इसका रखना है कि जैसे आप नॉर्मल साड़ी के लिए प्लीट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल आपको उसी डायरेक्शन में अपनी प्लीट्स को रखना है। नॉर्मली लहंगे के लिए हम दूसरी डायरेक्शन में प्लीट्स रखते हैं, बट इस वाले गाउन स्टाइल के लिए आपको नॉर्मल डायरेक्शन में ही प्लीट्स को रखना है, टक करना है। सो लेंथ को देखते हुए मैंने बारी बारी सारी प्लीट्स को टक कर लिया है पेटीकोट में, और ये एक लहंगे का स्कर्ट का इसने रूप ले लिया है। अब मैंने जो टक कर रखा था, अब वहाँ से मैं प्रॉपर पेटीकोट में साड़ी को टक करके एंड फिर उसके बाद जो मैंने पहले वाला स्टेप किया था ना, बिल्कुल वही दोबारा से रिपीट करूँगी। साड़ी के पल्ले को एक साइड से लेकर आकर दोनों को एकदम एक दूसरे के साथ सेट करूंगी और पिन का यूज़ करते हुए पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो लीजिए पिन से सिक्योर कर लिया है मैंने, और जो मेरा पल्ले वाला पार्ट है ना उसको मैंने जिगजैग स्टाइल में कर दिया है। अब ताकि कमर के पास टाइट फिटिंग शो हो, वो डाइज में दिखें, तो मैं अंदर से दोनों तरफ से टाइटली पकड़ते हुए फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर दूंगी और ऐसे सेट कर दूंगी कि वो पिन दोबारा दिखाई ना दे। तो यस ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। आप चाहें तो आजकल जो बेल्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है, मेरे पास जो ब्लैक कलर की बेल्ट है उसे ले लिया है, और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरा पूरा लुक, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप चाहें तो इसको इसके साथ दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है ब्लैक एंड वाइट कलर का दुपट्टा, नेट का है, बहुत प्यारा लग रहा है। और चाहें तो आप गोल्डन कलर का हैवी वर्क वाला दुपट्टा भी ले सकते हैं, और ब्लैक कलर का है ये मेरे पास। सो यस लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल। सो आपने साड़ी भी पहन ली और उसको एक गाउन का लुक भी दे दिया, और साथ में आपने दुपट्टा भी कैरी कर लिया। एक स्टाइल तो ये हो गया, अब आपको मैं एक और स्टाइल दिखाती हूँ। आपको दुपट्टे का कॉर्नर पकड़ना है, और कॉर्नर को पकड़ते हुए आपको दुपट्टे के मिड में आके उसे अपने शोल्डर पर रख देना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो दुपट्टे का जो लेस है वो फ्रंट की तरफ दिखाई दे, तो उसको हम अरेंज करेंगे। तो देखिए ये है दूसरा स्टाइल। आप चाहें तो जब आप गाउन स्टाइल साड़ी पहन रहे हैं तो आप ऐसे दुपट्टे को कैरी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने नेट का ब्लाउज पहना है फ्रंट से, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है और इस स्टाइल के साथ बहुत प्यारा लग रहा है। सो यस, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप चाहें तो दुपट्टे को थोड़ा सा आगे मतलब पीछे की तरफ खींच के दूसरे साइड से इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, ये भी बहुत गॉर्जियस लुक क्रिएट करेगा। बैक साइड से बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है, बल्कि बहुत प्यारा लग रहा है। और एक और सबसे जो स्टाइलिश लुक क्रिएट करेगा, आपके पास अगर हैवी दुपट्टा है तो आप उसे इस तरीके से दोनों को एक बराबर कर लें एंड फिर बैक साइड से लेके आएं और फिर उसे पिन से सिक्योर कर दें। माय गॉड, बहुत स्टाइलिश लुक मतलब उभर के आएगा। एंड आपसे सब पूछेंगे कि आपने ये साड़ी कैसे कैरी की एंड दुपट्टे को कैसे सेट किया, इसकी टिप्स आपसे मांगेंगे जाएंगे। सो आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, स्टाइल अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।